सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो है एम्स पीएससी नर्सिंग 2022 और पैरामेडिकल 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चों के लिए। तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस आ चुका है, तो बहुत से बच्चों को डाउट था कि नीट के थ्रू होगा क्या नहीं, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा सेपरेटली होगा। और क्योंकि यहाँ पे नोटिस आ चुका है तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। एंड यहाँ पे बता रखा है कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 अप्रैल से शुरू हैं और आपके जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा उसकी क्लोजिंग डेट 14 मई है। तो मई के बाद आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन में बताया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो आपका 17 मई को बता दिया जाएगा। 17 मई के बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने जो भी करेक्शन है वो कर सकें। उसके बाद एक फिर फाइनल स्टेटस आएगा कि आपका फिर एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है, तो आपका वो 23 मई को आ जाएगा। उसके बाद आपको जो प्रोस्पेक्टस होते हैं लाइक डॉक्यूमेंट वगैरह वो सबमिट करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताएगा कि जनरेशन ऑफ कोड, देन आपको एक आरयूसी जनरेट करना पड़ता है, वो आपको मैं स्टेप वाइज स्टेप बता दूंगी। उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है। फ़ी और जिन बच्चों ने पिछले साल पेपर दिया वो अभी देना चाहते हैं तो उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपना आरयूसी उनको सिर्फ अपना आईडी एंड अपना पासवर्ड डालना होता है और आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। बट जो बच्चे नए हैं वो बेसिक रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। देन आपको फ़ीस सबमिट ज़रूर करनी होती है क्योंकि उसके बाद बहुत से बच्चे फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते तो उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आता। देन आपको एडमिट कार्ड पता चल जाएगा कि कब आएगा। देन यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 11 जून को आ जाएंगे। देन यहाँ पे बता रखा है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो 25 जून को हैं और जो बीएससी का है वो 18 जून को है। मीन्स जो आपके पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल हैं वो 7 मई है और आपका बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो अकेले है। सो आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स 2 महीने हैं, आपके पास 2 महीने से कम का टाइम है। आपको इस 2 महीने से कम के टाइम में इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है कि आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55+ मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, एंड अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 50+ मार्क्स लाने हैं, और अगर आप स्पेशली कोई कॉलेज में जाना चाहते हैं लाइक एम्स दिल्ली तो आपको 75+ तो लाने हैं, एंड अगर आपको एम्स जोधपुर जाना है तो आपको 70+ लाने ही लाने हैं। एंड एससी ओबीसी के लिए आपको 45+ आ जाएंगे, तो एससी एंड एसटी के लिए आपको 45+ लाने ही होंगे। एंड इस साल अगर कंपटीशन ज़्यादा ना रहा तो इजीली हो जाएगा, बट पिछले साल 3 बार फॉर्म खुले थे इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा था। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले एम्स की साइट पर जाएंगे। एम्स की साइट पर जाके आप यहाँ पर अकेडमिक कोर्सेज में जाएंगे। अकेडमिक कोर्सेज में आपको यहाँ पर बीएससी ऑनर्स दिख रहा होगा, देन यहाँ पर नोटिस आ रखा है तो प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड पे क्लिक करना है फॉर यूजी कोर्सेज। देन यहाँ पे पूरा एंट्रेंस आ जाएगा कि आपको यहाँ पे न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है तो आप न्यू पे करना होगा क्लिक। देन यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या सबमिट करना है कैटेगरी। सो अभी आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल नर्सिंग लाइफ ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन किसी बच्चे का करके मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे करना है एंड आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन से स्टेप करने हैं। तो नर्सिंग लाइफ मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट भी अवेल हुए हैं। फ्री टेस्ट तभी करना जब आपका सिलेबस हो रखा हो, और अगर आपको सिलेबस कम्प्लीट करना है तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और शेड्यूल आप फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं और पेड टेस्ट पेड सीरीज़ लेके भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इजीली एम्स करेक्ट कर सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाऊंगी कि एम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपके पास 2 महीने से कम का टाइम है। इस 2 महीने से कम के टाइम में आपको अपने 50 मार्क्स तो सिक्योर करने ही करने हैं, और 50 मार्क्स सिक्योर करना एम्स में कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बट जिससे पता ना हो कि कहाँ से आता है क्वेश्चन, कहाँ से नहीं आता, तो उसके लिए हार्ड हो सकता है, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो जिससे आप इजीली, एंड बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे तो अभी घबराने की बात नहीं, एम्स में ऐसा ही होता है। एम्स अपना एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवाता है नीट से, बट पिछले साल बाद में करवाया था, इस वजह से बहुत से बच्चों को डाउट था कि अभी नहीं होगा। एंड